कल दोस्तों ISPL था, यानी कि क्रिकेट लीग था, और उस क्रिकेट लीग में ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हर कोई प्रेजेंट था बेसिकली, चाहे वो सुरेश रैना हो, इरफान पठान, यूसुफ पठान, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, इवन एक्टर सूर्या और अभिषेक बच्चन, ये सभी लोग प्रेजेंट थे। मुनव्वर एलवेश, ये लोग भी प्रेजेंट थे वहीं पर। लेकिन ना कल के ही उस मैच से, पोस्ट इंटरव्यू या शायद मैच के बाद का इंटरव्यू, मैच के पहले का इंटरव्यू, वो मैं नहीं जानता, जनरली बता रहा हूँ। बट जैसे ही ये वीडियो हमको किसी ने सेंड किया, इसमें एक चीज़ उन्होंने बोली, मतलब लिखा कि भाई ये चीज़ ज़रूर नोटिस करेगा कि मुनव्वर की वजह से एलविश को जो है शायद इग्नोर किया गया या फिर ध्यान ही नहीं गया। ये थोड़ा सा समझेंगे इस वीडियो में पूरी तरीके से, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, आपका आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। कल जो मैच था उसमें एक हिसाब से बहुत समय बाद कहीं ना कहीं ऑडियंस को जो है ये, मतलब जो भी लोग खिलाफ हैं और उन सभी लोगों को एक चीज़ पता लगी कि भाई मुनव्वर और उसी के साथ साथ एलविश दोनों अच्छे, बहुत दो अच्छे, बहुत बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से वाइब भी कर सकते हैं, इनका बॉन्ड भी बन सकता है। बट कल के मैच का एक वीडियो जो मैंने आपको बताया कि हमारे साथ किसी ने शेयर किया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो वीडियो। जी आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, मतलब बुला के दिखवाना पड़ रहा है एलविश भाई, एलविश भाई। जिसके बाद मैं आपके सामने कुछ अगर कमेंट्स रखूं तो किसी ने लिखा है वेयर इज रैंडम सेना, उसके बाद कोई लिख रहा है कि लो भाई आर्मी वाले कहाँ मुंह छुपाए हो, यहाँ तो सीधे सीधे इग्नोर कर दिया गया एलविश को। उसके बाद कोई लिख रहा है कि यहाँ पे वोटिंग नहीं चलेगी ब्रो, एपिक। उसके बाद कोई लिख रहा है एलविश एक्ट कूल इन फ्रंट ऑफ मुनव्वर, इज स्टिल थिंक्स ही लुक्स कूल बट एक्चुअली मुनव्वर इज मच मोर बेटर देन एलविश। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स है दोस्तों। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।